इसको देखते हैं थर्ड नंबर में, यहाँ दिया हुआ है कि 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल इक्वल टू में x/8 का फैक्टोरियल। इधर एलसीएम होगा 7 का फैक्टोरियल, इसमें से डिवाइड करेंगे 7 बचेगा, 7 1 जा 7, इसमें से डिवाइड करेंगे 1 1 1 जा 1 इक्वल टू में 1/, हम लोग इसको एक काम करते हैं लिखते हैं यहाँ पर 8 का फैक्टोरियल जो है अभी रहने देते हैं, x ऊपर है सॉरी, ऊपर हो जाएगा 8 और बाई में नीचे 7 का फैक्टोरियल। इधर देखिए एक्स बाई में 8 × 7 का फैक्टोरियल से लिख सकते हैं, ये कट जाएगा तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल टू में 64 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।